हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। 8 नवंबर का लेसन है, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और हम डेली डिस्कस करते हैं। मॉर्निंग के अंदर शाम को एमसीक्यूज के लेसन आते हैं और आपको फॉलो करने हैं दोनों ही लेसन रिलीजियसली। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन और पेड कंटेंट अवेलेबल है 159 रुपीज़ पर मंथ में, टोटली अफोर्डेबल है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और एग्जाम के लिए सबसे क्रूशल ये रहेंगे, तो इनको आप ज्वाइन कर लें। कोई भी इशू अगर आता है तो नंबर्स जो दिए हुए हैं उन पे आपको कॉल करना है। जो नंबर्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं, ये दो नंबर्स हैं जिन पे आपको कॉल करना है। और इन पेनड्राइव कोर्सेज के रिगार्डिंग भी जो ऊपर दिए हुए हैं और जो जो ये सब्सक्रिप्शन है पेड कंटेंट वाला, उन सब के लिए यहाँ पर आप कॉल कर सकते हो। चैट सेक्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर, पीडीएफ मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो जिसका लिंक जो है वो इस फेसबुक ग्रुप पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी आप जो फॉलो कर सकते हो। पहला इशू है महाराष्ट्र टॉप्स इन जस्टिस डिलीवरी। देखिए, पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन और लीगल एड, चार इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जस्टिस डिलीवरी के। और उसमें अभी देखिए महाराष्ट्र टॉप पे आया है। इसमें सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, फिर आया है केरला और उसके बाद है तमिलनाडु, फिर पंजाब, फिर हरियाणा और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये बॉटम पे हैं। ये स्टेट्स बॉटम पे हैं। उत्तर प्रदेश वही स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है कि ये सबसे बेस्ट हमने कर दिया है, सब कुछ है, लेकिन ये सबसे नीचे है इस लिस्ट के अंदर और ये बड़े स्टेट्स की कैटेगरी है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 और ये टाटा ट्रस्ट ने जारी की है। जो सेंटर फॉर सोशल जस्टिस है उसके साथ मिलके एक जारी किया, इसके साथ में कॉमन कॉज भी था और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव भी इसके साथ में थे। तो ये टाटा ट्रस्ट का मेनली रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट IJR, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें अलग अलग स्कोर्स दिए गए हैं, जैसे इसमें पुलिसिंग की कैटेगरी में तमिलनाडु सबसे ऊपर आया है, यूपी सबसे नीचे है पुलिसिंग की कैटेगरी में, प्रिजन में केरला सबसे ऊपर है, झारखंड सबसे नीचे है, जुडिशरी में तमिलनाडु सबसे ऊपर है और बिहार वर्स्ट परफॉर्मर है यहाँ पर, लीगल एड में केरला टॉप पे है और यूपी सबसे बुरी हालत में है। अब ये टाटा ट्रस्ट ने निकाली है और इन बॉडीज के साथ में मिलकर निकाली है, तो रिपोर्ट काफ़ी प्रैक्टिकल है, लेकिन जो एक्सेप्टेंस इसका है वो कैसा होता है वो देखता होगा। क्योंकि देखिए, सीधी बात है, जब क्लेम्स दूसरे हों पॉलिटिकली और पार्टीज के और उसमें कोई क्वेश्चन तो आप पूछ नहीं सकते हो, वो तो वन वे कम्युनिकेशन है, जो भी कोई बात होती है वो तो खुद बता के निकल जाते हैं, आप उसमें क्वेश्चन तो पूछ नहीं सकते हो। वैसा आजकल टाइम नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन करें और डेटा के अकॉर्डिंग उस चीज़ को काउंटर करें, तो इसका एक्सेप्टेंस कैसा होगा वो तो एक अलग बात है। तो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी ये एक आईना दिखाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। और ये स्टैटिस्टिक्स आना बहुत 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 ज़रूरी होता है और स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा बुरी हालत में आज के दिन है, इसलिए ये मुद्दा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके ऊपर मेंस के अंदर पॉइंट्स लिखने हैं, उसके लिए तो एक बहुत अच्छा पॉइंट ये है ही। दूसरा, प्रीलिम्स के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज में से एक होगा ये, तो ये डेटा आएगा। नेक्स्ट, जो मैंने आपको कल पूछा था एमसीक्यूज के लेसन के अंदर और मैंने एक्सप्लेन भी किया था आपको, इशू था ईरान वाला। देखिए, ईरान ने अभी एक साल हुआ तो उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया ग्लोबली कि हम जो है हमारी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे, जो न्यूक्लियर कैपेसिटी हमारी है उसको और बढ़ाएंगे और जो एनरिच्ड यूरेनियम का जो प्रोडक्शन का जो इशू है उसको हम और फास्ट करने वाले हैं। तो IR1 जो अलाउड है, कैटेगरी है अलग अलग इसके अंदर, IR1, IR2, IR3 इस तरह से, तो IR1 अलाउड है जैकपुआ के अंदर, जो कि ईरान न्यूक्लियर डील थी। इन्होंने IR6 अभी कर दिया है और इसको भी यूज़ कर रहे हैं और ये उससे 10 गुना ज़्यादा जल्दी एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसकी सप्लाई करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। ईरान ने रिज्यूम कर दिया है, अंडरग्राउंड फोर्डो प्लांट है, ये फोर्डो प्लांट बड़ा न्यूज़ में रहा था और ये तेहरान के साउथ में है, तो उसको इन्होंने कर दिया है और ये फोर्थ स्टेप है अवे फ्रॉम 2015 न्यूक्लियर एग्रीमेंट। अब शुरुआत किसने की? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की, इसमें विड्रॉ किया और कई सारे इल्ज़ाम ईरान पे लगे, जबकि ईरान हर चीज़ में कंप्लाई कर रहा था, ये फैक्ट था, कोई गलती पे नहीं था ईरान और सारी फैसिलिटीज़ सही काम कर रही थी, जो अलाउड था वही चल रहा था और कोई उनका इंटेंशन जो था वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं था ऐसा। और जो बाकी जो कमीशन के अंदर जो कंट्रीज़ वगैरह थी और ख़ासकर जो IAEA की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाली, उसकी टीम्स को ये अलाउ कर रहा था कि आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो ईरान,
लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने ये एलिगेशंस लगाए और बोला कि ये डील जो साइन हुई है बिल्कुल बकवास है और इससे हम बाहर निकलेंगे, और ये विड्रॉल अनाउंस किया। उसके बाद में ईरान ने ये सब कुछ किया है। तो अगर पूरी हिस्ट्री को देखें तो ये चीज़ सामने आती है कि ईरान की गलती कम है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की गलती जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने इसको ज़बरदस्ती इर्क किया है। और अब जो है इसका जो इन्वॉल्वमेंट ईरान का था वो उसका बड़ा रीज़न रहा कि ट्रंप ने ऐसा डिसाइड किया, क्योंकि सीरिया में उधर लेबनान के अंदर हिजबुल्ला वगैरह जो हैं उन सबको सपोर्ट करता है ईरान, और इधर जो है जो हौदीज हैं यमन के अंदर उनको वो शिया ग्रुप्स हैं और सऊदी अरेबिया उससे लड़ाई कर रहा है। तो ये जो बाकी इंगेजमेंट जो है ईरान का ईरान के बाहर, वो सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के लिए बनी, और उसका ही रीज़न था कि इस पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई। तो अभी ईरान ने ये सब किया है, अनाउंस करता जा रहा है, तो ये वैसी हालत हो गई जैसे कोरिया के साथ में हुई थी, ये वैसा सा कुछ चल रहा है। तो अभी देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अब कल शाम को जो मैंने आपको लेसन दिया था, जो पीडीएफ दिया था और जो समझाया था एमसीक्यूज के अंदर, उसके अंदर लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये जो मुद्दा हमने डिस्कस किया आईएनएसटीसी वाला, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था कि कैसे ये जो डेवलपमेंट्स हैं ईरान के अगेंस्ट में अमेरिका के, ये इंडिया के लिए बड़ा डिलेमा खड़ा करते हैं, क्योंकि ईरान के साथ में हमारे रिलेशंस काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अभी लगभग एक साल से और खासकर ये जो ईरान ऑयल वाला इशू हुआ है, सब कुछ हुआ है, इसके बाद में से थोड़ी सी खटास जरूर से आई है और उसके इम्प्लीकेशंस होंगे। एक तो आईएनएसटीसी जो मैंने आपको बताया था, जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है जो रशिया से आने वाला है और ईरान के थ्रू आने वाला था, इंडिया तक पहुँचने वाला था मुंबई तक, और दूसरा चबहार पोर्ट, ये दोनों ही ठंडे बस्ते में चले गए हैं। और आईएनएसटीसी तो जो बीआरआई है चाइना का, उसका एक राइवल माना जा रहा था। तो ये चीज़ें जो है अपने लंबे कॉन्सिक्वेंस रखती है और वो इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। दूसरा, ईरान को एससीओ में लेना चाहता है चाइना, क्योंकि चाइना पूरा उसका यूज़ कर रहा है कि भाई इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाह रहा है कि ईरान के साथ में जो इतना सारा इशू है अमेरिका को, तो वो उसका पक्का दुश्मन बन गया है और अब उसको अपने खेमे में लो। तो फिर ये जो ईरान भी होगा उसमें चाइना भी होगा रशिया भी होगा, तो ये सारा एंटी अमेरिकन ग्रुप बन गया, उसके मेंबर हम भी हैं, हालांकि पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान का कोई ऐसा बड़ा कोई एग्जिस्टेंस का इशू नहीं है, तो हम भी उसमें होंगे। तो ये एंटी अमेरिकन ग्रुप होगा पूरा एससीओ, और उसमें हम 2016 में ही आए हैं, सॉरी 17 में आए हैं शुरुआत में। तो ये चीज़ भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक इंडिया के लिए बाद में हो जाएगी। तो ये इश्यूज हैं। नेक्स्ट, नेपाल ने अभी एक इशू खड़ा किया है। इंडिया ने जो नया मैप जारी किया जम्मू कश्मीर टेरिटरीज बनने के बाद में, यूनियन टेरिटरीज बनने के बाद में, तो उसमें उत्तराखंड के मैप के अंदर एक छोटा सा हिस्सा कोई है काला पानी, जो नेपाल बोलता है ये हमारा है, और इंडिया ने अपने नए मैप में दिखा दिया है उत्तराखंड का हिस्सा बता के। तो ये इशू हुआ है, और इसके रिगार्डिंग अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया का आया है कि हम इसमें अमिकेबली इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है, और जो भी कुछ इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा नेपाल के। तो ये नेपाल ने इस इशू को उठाया, ये नक्शा छापा, ये देखिए नेपाल में जो लैंग्वेज चलती है उसमें लिखा हुआ है भारत को नक्शा, नेपाल को नक्शा, थोड़ा सा तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। ये उत्तराखंड का हिस्सा बता दिया गया है, देखिए इस मैप में यहाँ पर, और ये नेपाल बोलता है हमारा है, और इधर देखिए ये आप देख सकते हो ये उत्तराखंड है, ये काली रिवर है और ये बॉर्डर बना भी रही है उस इसके बीच में, और ये नेपाल है इधर, ये राक्कस लेक और मानसरोवर लेक, ये कहाँ पर है, ये तिब्बत का पार्ट है, वेस्टर्न तिब्बत है जहाँ पर ये पिलग्रिमेज के सेंटर्स है। तो ये लिपु लेक वगैरह ये सब जो हैं पासेस भी इधर ही हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, केरला जो है वो 100% इंटरनेट पेनिट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात यह है, और इसमें सेकेंड हाइएस्ट कवरेज जो है केरला के पास में वैसे है। अब देखिए ये होगा कैसे, अभी इस टाइम पर सेकंड पे है केरला में पेनिट्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी दिल्ली में है, दिल्ली में 69% जो है वो इंटरनेट का पेनिट्रेशन है, और केरला में उसके बाद में 54%। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट का, जो कि 1548 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, और ये हर हाउस होल्ड में इंटरनेट देगा, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का इशू है। तो ये बड़ा शानदार चीज़ होने वाली है, और काफ़ी हाई स्पीड इंटरनेट इसमें मिलेगा, तो 20 लाख बीपीएल हाउस होल्ड के लिए तो ये फ्री ही होगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है, और 2020 के दिसंबर तक ये लगभग एक साल बाद में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये अगर होता है तो बहुत एडवांस्ड ये बात होगी, एकदम डेवलप्ड कंट्रीज जैसी वाली बात होगी, क्योंकि इंटरनेट का जो पेनिट्रेशन है और जो यूज़ है ब्रॉडबैंड वगैरह का, वो इंडिया में वर्ल्ड एवरेज से काफ़ी कम है। तो ये भी इशू, हालांकि मोबाइल इंटरनेट हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन की बात है वहाँ पर हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, और वो चीज़ अगर हम अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में देखें तो काफ़ी ज़्यादा है उनकी। तो ये इशू है। एक प्रॉब्लमेटिक बात है
प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम बात करते हैं कि भाई कोई इशू नहीं होता है डिस्क्रिमिनेशन का, आरक्षण का, इन सब मुद्दों का, लेकिन IRCTC ने जो एक टिक ऑफ किया था, एक वेंडर है, रेलवे वेंडर, उन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट निकाला और उसके अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम लेकर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है कि वही होने चाहिए और एजुकेशन का भी रखा है, और वो स्थिति जो है वो बड़ी ही अजीब है और ये गलत है, अनजस्टिफाइड है, और खासकर एक प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ऐसा आना ये बहुत ही गलत मैसेज सोसाइटी में देता है। देखिए, आरक्षण का इशू अलग है, उसमें कोई पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ का प्रेफरेंस की बात नहीं होती है, वो सब जो मुद्दा बनाया गया है, जो शेड्यूल कास्ट का इशू है, शेड्यूल ट्राइब्स का इशू है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज़ के इशूज़ हैं, वो कैटेगरीज़ हैं और उनके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंग है वो इशू, और वो उसका कंट्रोवर्सी अलग तरीके से, लेकिन इसमें जो बात आई थी उसमें पर्टिकुलर एक नाम लिया गया कि अग्रवाल वैश्य कम्युनिटी से ही वो होने चाहिए, ये दिक्कत वाली बात है। तो ये चीज़ जो है इसके खिलाफ एक्शन होना भी चाहिए, क्योंकि ये मैसेज बहुत गलत दे रहा है, और कल को सब कुछ अगर प्राइवेटाइज होता है, और एक बड़ा एलिगेशन इंडिया में ये होता है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके उनका हिस्सेदारी जो है वो बड़े बिजनेसेस के अंदर और जो एस्टैब्लिश प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर बहुत ही कम है, तो कल को प्राइवेटाइजेशन बढ़ रहा है तो ये चीज़ दिक्कत में डाल देगी और एक नई तरह की समस्या खड़ी करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स जो होती हैं या फिर गवर्नमेंट जो रिक्रूटमेंट होता है उसके अंदर तो आरक्षण के कारण उनका कुछ हिस्सेदारी है, हालांकि वो भी COD कैटेगरी के अंदर ही है, ए और बी के अंदर, ए क्लास बी क्लास सर्विसेज के अंदर इतना नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत है COD और डी के अंदर, लेकिन प्रायोरिटाइजेशन अगर बढ़ता है और उसके बाद में ऐसा कुछ होता है तो फिर बड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वहां पर फिर कोई प्रोटेक्शन भी अवेलेबल नहीं होगा जो कि आरक्षण के कारण है। तो ये जो इशू है ये बड़ा सेंसिटिव, हालांकि छोटी बात लगती है लेकिन ये सेंसिटिव बड़ा मुद्दा है, क्योंकि प्राइवेट ट्रेन भी अब चल चुकी है इंडिया के अंदर, और IRCTC का नया IPO भी आ चुका है, और बहुत कुछ IRCTC की एक्टिविटीज जो है वो सामने एक्टिवली आ रही हैं, तो ये इसलिए मुद्दा बड़ा है। नेक्स्ट, बुलबुल, ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि ओडिशा के अंदर हैवी रेन लेके आएगा। पिछले दिनों जो साइक्लोन माहा था वो अरेबियन सी में आया था, तो ये लोकेशंस भी आप याद रखिए, बे ऑफ बंगाल वाले ज़्यादा सीवियर होते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो बॉडी है वो ज़्यादा ज़मीन से घिरी हुई है तीन तरफ से, बे ऑफ बंगाल जो बॉडी है, और अरेबियन सी थोड़ा सा ओपन है, इसलिए जो बे ऑफ बंगाल वाले जो होते हैं वो ज़्यादा सीवियर होते हैं साइक्लोन्स और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, तो ये बुलबुल बे ऑफ बंगाल का ही है। नेक्स्ट, एक इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए EAT और लैंसेट, इन्होंने कमांड लिया एक डाइट सजेस्ट की थी कि भाई ये एक स्टैंडर्ड डाइट होनी चाहिए और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स वगैरह, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो हैं वो अच्छे हों, तो उसमें जो उन्होंने जो डाइट बताई थी एक लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के नाम से जो एक पब्लिश हुआ था रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने ये सजेस्ट किया था, तो अभी जो उसके ऊपर एक और स्टडी क्या निकल के आई है, अफोर्डेबिलिटी की, और सबसे बड़ी समस्या यही है, अगर हम इंडिया की बात करें खासकर रूरल इंडिया और जो अर्बन पुअर हैं और जो सारा ओवरऑल जो पुअर लोगों की जो कैटेगरीज हैं, और पुअर छोड़िए आप मिडिल क्लास को ही लीजिए इंडिया में, लोअर मिडिल क्लास जो है उनको ही ले लीजिए, वो लोग भी इतना रिच डाइट नहीं खाते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर, क्योंकि डाइट बड़ी कमज़ोर होती जा रही है, यहाँ तक कि जो बैकवर्ड एरियाज में रिच जो लोग होते हैं वो भी अच्छी डाइट नहीं लेते हैं। इस डाइट के अंदर नट्स भी थे, काजू बादाम ये सब जो होते हैं और पीनट्स वगैरह हैं, और इसके अंदर वेजिटेबल्स भी थी, फ्रूट्स भी थे, फ्रूट्स का नंबर भी बहुत ज़्यादा इसमें था, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये काफ़ी महंगी हो जाती हैं और इतना पैसा खर्च डाइट पर नहीं कर सकता है कोई गरीब इंसान, ये एक बड़ा इशू है इसमें। इन्होंने जो डाइट बताई वो $2.84 पर डे मिनिमम थी, मतलब कि लगभग ₹200 होता है, तो ₹200 की डाइट जो है इंडिया में बहुत ही कम लोग ले पाएंगे, ये एक फैक्ट है, और ₹200 पर डाइट का मतलब है कि महीने के ₹12,000 हो जाना, इतना अफोर्डेबिलिटी खाने के ऊपर इंडिया में बहुत ही छोटा सेक्शन कर पाता है, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और जहां पर आपको याद होगा जो पॉवर्टी की कैटेगरी जब डिसाइड करते हैं ग्लोबली तो उन्होंने एक बता रखा है, कई कैटेगरीज बना रखी हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो उसमें सबसे नीचे की जो कैटेगरी है उन्होंने ये बताया था कि $1.90 पर डे जो है वो एक मिनिमम लिमिट होगी, उससे नीचे जो है वो पुअरेस्ट पुअर आ जाएंगे, तो अगर इसको भी एक स्टैंडर्ड माने जो कि निचली कैटेगरी है उसमें इंडिया में $1.90 पर डे जो लोग कमाने वाले हैं उनका नंबर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उसके अंदर,
तो जब वो कमा ही पूरे दिन में $1.90 रहे हैं और जो उससे भी कम कमा रहे हैं एक्चुअली इंडिया में तो बहुत सारे लोग जो हैं, लेकिन फिर भी ये माना गया है, तो फिर वो फूड पे $2.84 पर डे कैसे खर्च कर पाएंगे? ये एक बड़ी समस्या है। तो ये अफोर्डेबिलिटी का इशू है और इसके ऊपर आप एक बहुत शानदार मीन्स का क्वेश्चन भी लिख सकते हो कि भाई रिक्वायरमेंट जो है फूड की बात बहुत ज़्यादा होती है, मैलन्यूट्रिशन की बात बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पॉवर्टी से कैसे लिंक्ड है उसमें ऐसा नहीं कि वो लोगों को पता नहीं है, फिर वो खाना नहीं चाहते हैं, फिर ये उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है लोकल एरियाज में, ऐसा नहीं है। इशू है अफोर्डेबिलिटी का। जब वो 200 रुपये कमा ही नहीं रहा है पर डे के, तो वो खाएगा कहाँ से 200 रुपये का, और खाएगा तो फिर पहनेगा क्या, सोएगा कहाँ, ये सब कुछ तो एंड हो गया, और बहुत कुछ इंसान को चाहिए होता है। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा मिनस है और ये चीज़ जो है रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी हैं और न्यूट्रिशन का इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और जो कि गवर्नमेंट्स ही निभा सकती हैं ऐसी स्थिति के अंदर, ठीक है। CSR एक्टिविटीज इसको पूरा नहीं कर सकती हैं और ना ही प्राइवेटाइजेशन इसमें हेल्प करेगा, क्योंकि ये प्योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये हमें पता है कि विशेष साइकिल से बाहर निकलना कितना मुश्किल है, और उसमें फूड की समस्या सबसे पहली होती है। हमने देखा कि जो ब्रू कम्युनिटीज है उसमें जो बंद कर दिया गया उनके कैंप्स में फूड, उसके कारण मर गए, झारखंड में कितने सारे डेथ होगी। आज एक और जो रिपोर्ट आई है जिसके अंदर एक क्लेम किया गया है कि एक लेडी जो है वो भी भूख के कारण मर गई, जबकि हमारे पास में इतने सारे स्कीम्स चलती हैं, हमारे अनाज और ये सब जो है वो FCI के गोदामों में चूहे खाते हैं, सड़ते रहते हैं बारिश के मौसम के अंदर, तो ये अजीब स्थिति है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है GS पेपर 2 और 3 दोनों के लिए। अब बात करते हैं आर्टिकल्स की। देखिए, एक इशू जो मैंने आपको 6 तारीख के लेसन के अंदर समझाया भी था, फास्ट फूड वाला, FSSAI जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसने ड्राफ्ट रेगुलेशन में जो एक प्रपोज किया कि स्कूल्स के प्रमाइसिस के अंदर और 50 मीटर उसके चारों तरफ कोई भी ये जो अनहेल्दी फूड है जिसमें शुगर और सॉल्ट ज़्यादा होगा वो नहीं बेच पाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये अच्छा ऑर्डर है और ये इसका एनफोर्समेंट जो है वो सबसे बड़ा इशू होगा, इसका सबसे बड़ा चैलेंज है एनफोर्समेंट है, क्योंकि टोबैको के रिगार्डिंग ऐसा ही आया था कि भाई 100 मीटर्स के अंदर अंदर, सॉरी 100 गज के अंदर जो है स्कूल के चारों तरफ कोई भी टोबैको का प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, लेकिन इंडिया में शायद मोर देन 90% स्कूल से बाहर ये चीज़ बिकती हैं, ओपनली बिकती हैं, और वहाँ तो जो छोटे छोटे जो लगाते हैं ठेले लगाते हैं उनकी तो बिक्री वहीं पर होती है, जहाँ पर भीड़ आएगी वहीं पर वो जाएंगे। तो एनफोर्समेंट बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके अंदर कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, किसी भी स्ट्रीट पर आप जाकर देखेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो वो चीज़ बिल्कुल ज़्यादा वायलेटेड है और उसमें जो वायलेशन है वो एक नॉर्म बन गया है, उसका फॉलो करने की तो बात ही छोड़िए। तो इसमें भी ऐसा इशू हो सकता है, और ये तो फिर भी फूड का आइटम है, वो तो टोबैको का इशू था, ये तो फूड का आइटम है, लेकिन इसमें बस सोफिस्टिकेशन जो हमारा बड़ा है, समझ जो बड़ी है, उसके कारण हम इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, जो ईट राइट मूवमेंट हमारा है, लेकिन इस चीज़ को लोग कैसे समझेंगे, बच्चे कैसे समझेंगे, और बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसे जो फूड आइटम्स होते हैं वो टेस्टी भी ज़्यादा होते हैं, तो रोकना बड़ा मुश्किल है। और आजकल की जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको मतलब ऐसे पहले की तरह आप डांट नहीं सकते हो, मारपीट नहीं सकते हो, बिना पैसे घर से बाहर नहीं भेज सकते हो, ये सब कुछ भी होता है, ये भी एक फैक्ट है, इसलिए इसका एनफोर्समेंट बड़ा ही टिपिकल होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, और उसमें जो 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 एनफोर्समेंट बॉडीज़ जो होंगी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा होगा, उनको स्ट्रिक्टली रखना पड़ेगा जो ये सेलर्स हैं छोटे छोटे, ये मुद्दा है। ये वाला जो इशू था जो मैंने आपको 6 नवंबर के लेसन में पढ़ाया था। नेक्स्ट आर्टिकल, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का, बात कर रहे हैं स्टैनली जोनी IS की, इस्लामिक स्टेट की। बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, और आपको पता है कि एक अनाउंसमेंट बड़ा हुआ था, ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद में चीज सामने आई कि इस्लामिक स्टेट का जो चीफ था अबू बकर अल बगदादी, अब वो मारा गया है, उसके एविडेंसेस वगैरह सब सामने आए हैं, तो मारा तो गया है, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो मर गया, लेकिन IS जो है वो नहीं मरा है। जो कैलिफ जो अपने आप को उसने प्रोनाउंस किया था, खलीफा जो है वो, और खलीफा का पोस्ट आपको पता है कि World War I के पहले लगातार होता रहा है, और जो उम्मा नाम से जो बोलते हैं कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी है दुनिया का, उसका वो हेड माना जाता था उस टाइम पर, ओटोमन एम्पायर जहाँ पर आज क्या है टर्की है, तो वहाँ पर वो कैलिफ होता था, और उस खलीफा के रिगार्डिंग जो है इंडिया में भी मूवमेंट चला था, आपको याद होगा 1920 में नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन जो हुआ था उस टाइम पर जो है, वो भी एक बड़ा मुद्दा था कि मुस्लिम साथ में आए थे, जो उस खलीफा को रीइंस्टेट करने के लिए मुद्दा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उसको एंड किया था, तो वही खलीफा की पोस्ट को दोबारा से रिवाइवल करने का एक मुद्दा जो बगदादी का था वो ये था, और उसने ये कोशिश की कि उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए जो World War I से पहले तक होता आया था, और उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जाए, और उसने अपने आप को वली खलीफा जो है वो घोषित किया, और
अब इसमें इस आर्टिकल में अप्रोच की बात की गई है कि आईएएस जो है वो उसकी आइडियोलॉजी एंड नहीं हुई है और जो जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो सारी अभी भी इंटैक्ट हैं और उसके हेड के मर जाने से कुछ नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी हो गई है। और दिक्कत यह है कि उस आइडियोलॉजी से जो इन्फ्लुएंस होकर जो लोग आते हैं और जो इसे इन्फ्लुएंस्ड हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंड हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए हैविली इन्फ्लुएंस्ड हैं, क्योंकि जो टारगेट जो किया गया है वो बहुत ही साइकोलॉजिकली वल्नरेबल लोगों को किया गया है और वो उसमें पूरा बिलीफ रखते हैं। इसका जो तरीका था वो थोड़ा यूनिक था। पहले अलकायदा था, अलकायदा जिसका ओसामा बिन लादेन था मेन जो आदमी, वो भी पहले कुछ नहीं था, लेकिन जो वेस्ट कंट्रीज हैं उनके जो गेम चलते हैं अमेरिका रशिया के बीच में, जो उस टाइम पर सोवियत यूनियन था, तो अमेरिका ने चलाया सोवियत यूनियन की रेड आर्मी के अगेंस्ट में और उसके लिए उसने अफगानिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर जो एक ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे उनको ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, उनको आतंकवादी अमेरिका ने बनाया और वहीं से स्टार्ट होता है ये जो कॉन्फिडेंस इनका, और उससे फिर आगे ग्रुप्स बनाते हैं, फिर आगे इनमें जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो इनको लगता है कि टेरिटरी हम भी कैप्चर कर सकते हैं। तो ये जो फियर का जो स्ट्रेटजी था वो अच्छे से सीख गए और उसके बाद ये हर ग्रुप के अंदर वही अप्लाई करते हैं कि भाई फियर क्रिएट करो। तो वो एक ग्रुप था, लेकिन आईएस जो था वो हिट एंड रन वाला एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन था कि वो अटैक कर दिया फिर वो जाके छुप गए किसी डेजर्ट एरिया में, गुफाओं में, पहाड़ों के अंदर या फिर ऐसे। लेकिन आईएस जो है उसका तरीका थोड़ा सा अलग रहा, वो उसकी आइडियोलॉजी एंड नहीं हो रही है, उसकी अप्रोच एक बड़ी यूनिक थी कि उसने अपने टेरिटरीज डिसाइड की और उसके अंदर उसको अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर दिया और लोगों को ये माइंड वॉश किया कि आप इस लैंड पे आके रहो, ये प्योर मुस्लिम लैंड है और एकदम होली लैंड है जिसमें खलीफा है और यहाँ पर वो रूल्स लागू होंगे जो प्योर इस्लामिक हैं और कोई भी मॉडर्नाइजेशन जो दुनिया में चल रहा है सब कुछ है वो सब कुछ बकवास है, ये जो चीज़ है वो प्योर है और इस प्योर लैंड पे आप आके आप रहो। तो ये जो टेरिटरी जो डिक्लेयर करना था ये थोड़ा अलग यूनिक अप्रोच था और काफ़ी डेयरिंग था। तो ये वर्ल्ड व्यू जो आईएस का आया वो नया और यूनिक है, तो उसके स्टेप्स बड़े बोल्ड थे, इसलिए ये अलकायदा और इन सबसे आगे निकल गया और आज उसका फेयर सबसे बड़ा है, जबकि ग्रुप्स और भी बहुत सारे हैं लेकिन उनका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल सा ही है, लेकिन इसका अप्रोच जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया और इसमें जो मॉडर्नाइजेशन है इनके अप्रोच के अंदर, ये वैसे तो दुनिया में लिबरलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन का पूरा विरोध करते हैं लेकिन इनका जो खुद का जो अप्रोच है, जैसे बहुत सारी लड़कियां इनसे इन्फ्लुएंस हैं और वो पूरी दुनिया में जैसे जो कोई भी चैटिंग वगैरह करते हैं उससे वो ब्रेन वॉश करते हैं, बुलाते हैं उनको और वो फिर जो ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं दुनिया के अंदर जो फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनका कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है लाइफ का, वो बहुत आसानी से उस चंगुल में फंस जाते हैं और बहुत लोग जो हैं अच्छी अच्छी कंट्री से, ब्रिटेन से, यूएस से, कई कई जगह से और वहाँ गई हैं, इंडिया से भी गए लेकिन इंडिया में इतना असर नहीं हुआ। ये थोड़ी सी अच्छी बात है कि इंडिया के यूथ पे इतना असर नहीं हुआ, बाकी हर देश से वहाँ पर लोग गए हैं तो वो जाके वहाँ पे रहने लग गए, तो वो टेरिटरी उन्होंने क्रिएट की और उसके ऊपर डिक्लेरेशन किया, तो ये एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि एलिगेशन बहुत सारे हैं, ये भी कहा जाता है कि आईएएस जो है वो CIA का खुद का क्रिएट किया हुआ है लेकिन उसका कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन हमारे पास में नहीं है इसलिए उसको नहीं बोल सकते हम, लेकिन ये एक एलिगेशन जरूर है और जो काफी स्ट्रॉन्ग एलिगेशन है। ओपनली कुछ जो देशों के लीडर्स ने चीज बोली है। अब तालिबान की बात करें, तालिबान भी कहाँ था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उस टाइम पर अफगानिस्तान जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया तो वहाँ पर जो यूथ फ्रस्ट्रेटेड हुआ, जो ना एम्प्लॉयमेंट था ना कोई ग्रोथ था और सब कुछ लाइफ में डिवास्टेटेड था, ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस के ऊपर ही तालिबान खड़ा हुआ था और उसने ही अलकायदा को होस्ट भी किया था जब जो 9/11 अटैक्स हुए थे। अलकायदा जो है वो इराक के रुइंस से खड़ा हुआ था, पहले ये अलकायदा इन इराक जो AQI जो खड़ा हुआ, जो आज IS बन गया 2011 के बाद में, खासकर 13 के बाद में ये AQI ही IS बन गया था और इन्होंने पहली बार क्या किया कि जो बाउंड्री जो है उन सबको एंड कर दिया कि भाई इराक और सीरिया की जो बाउंड्री है एक तरह से उसको एंड किया और उस सारे एरिया को अपने अंदर कैप्चर कर लिया और उसको अपनी टेरिटरी घोषित कर दिया कि भाई IS की टेरिटरी है और एक खलीफा की टेरिटरी है। तो वो जो IS बना उस टाइम पर वो किससे खड़ा हुआ कि सीरिया में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, जो सिविल अनरेस्ट चल रहा था, उसी का उन्होंने फायदा उठाया, अलकायदा ने फायदा उठाया इराक का और तालिबान ने अफगानिस्तान का उठाया। तो हर जगह पर ये जो रुइंस होते हैं उसी से ही ये एक्सप्लोइटेशन करते हैं और अपने ग्रुप्स को खड़ा करते हैं। तो ये आइडियोलॉजी से सारी की सारी, इसका मतलब कोई भी रुइन हो, चाहे आज बगदादी का एंड हो गया और थोड़ा रुइन जो है IS का भी हुआ है उसके अंदर से भी, और ये फिर से आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है और फिर से ये अटैक्स वगैरह ये सब स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अटैक का कोई एक पर्टिकुलर कोई आर्मी तो इनकी है नहीं कि भाई इनकी आर्मी है उसके साथ लड़ लो तो एंड हो जाएंगे, ये तो कई कई जगह पर इन्फ्लुएंस करते हैं, स्लीपर सेल्स क्रिएट करते हैं देशों के अंदर, वहीं के लोकल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं
जो कि इसके साथ इन्फ्लुएंस हैं, इनके बहकावे में आते हैं, तो वो कुछ भी कर जाते हैं अपने देश के अंदर भी। तो ये चीज़ बहुत देशों में देखी गई है। ये जो तरीका है ये थोड़ा सा यूनिक है, इसलिए ये अलग निकल गया। वैसे आर्म्स और जो ब्रूटैलिटी है, जो वायलेंस है, जो फेयर है, वो तरीका वही है इनका, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम चले गए हैं और इनका सारा का सारा एग्जिस्टेंस ही उसी फेयर के ऊपर टिका हुआ है। वैसे इनका जो इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का वो काफ़ी प्यूरिटैनिकल है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम में जो एक आइडियोलॉजीज़ को समझने का जो तरीका है, और बहुत पुरातन है इनका, मतलब जो एंशियंट जो शुरुआत में जो चला था उसी चीज़ को ये मानते हैं। और ये तक बोलते हैं कि भाई जो शिया मुस्लिम्स हैं ये काफिर हैं और इनको मुस्लिम्स ही नहीं मानते एक तरह से, क्योंकि वो सुन्नी वाला जो एक तरीका है कि भाई शुरू के तीन जो मैसेंजर्स आए थे उनको शियाज नहीं मानते हैं, तो ये चीज़ बहुत ही गलत मानते हैं ये वाले। और सुन्नी इस्लाम को ही ये पूरा उसके सपोर्टर्स हैं ये जो हैं आईएस वाले। तो ये इनका तरीका है। और भी जो ग्रुप्स हैं, जैसे मान लीजिए अहमदिया हैं, कुछ और ग्रुप्स हैं, उनको भी वो नॉन मुस्लिम एक तरह से डिक्लेयर करते हैं। तो इनका जो तरीका है वो एकदम पुरिटैनिकल है, एंशियंट है और एक्सट्रीम है, फियर वाला है। सुन्नी मुस्लिम को ही ये मानते हैं और सलाफी इस्लाम जो है उससे इनका कनेक्शन बताते हैं, लेकिन सलाफी इस्लाम में भी इतना वायलेंस अगर देखें, उसको इंटरप्रेट अगर करें तो वो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्रिएट करने के लिए, अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए वो उससे कनेक्शन भी अपना बताते हैं, तो उसका यूज़ करते हैं एक तरह से। तो ये इशू है। तो अलकायदा और आईएस, इनकी अप्रोच शुरुआत में एक जैसी थी और एक दूसरे से ही ये जो है इंस्पायर भी हुए हैं, लेकिन जो अप्रोच आईएस की है वो थोड़ी सी आगे निकल गई। उसने जो इनका जो ये होता है कि भाई वर्ल्ड व्यू जो होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा स्टेप्स आईएस ने लिए हैं, और जो डेयरिंग है, जैसे इन्होंने लोगों को पकड़ा और वीडियोस बनाए, इंटरनेट का यूज़ किया, फियर क्रिएट किया, जो गला काटा है, ये सब कुछ जो वीडियोस बहुत ब्रूटल जो थे वो उन्होंने ओपनली डाले और उन सब चीज़ों को फैलाया, वेबसाइट्स अपनी वो सब कुछ। तो ये चीज़ें जो हैं वो पहले के ग्रुप्स में नहीं आई थी, ये इनके साथ में आई। तो ये तरीका थोड़ा सा अलग है। और जो मैंने आपको बताया कि ये जो उमा जो है ग्लोबल मुस्लिम कम्युनिटी, उसको हेड करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह जो मतलब उस चीज़ को अनाउंस किया, उसने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया कि भाई इसको डिस्ट्रॉय किया था वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, और खलीफा की पोस्ट पहले होती थी और ये दोबारा से होगी, और हम एक प्योर लैंड क्रिएट करेंगे, टेरिटरी क्रिएट करेंगे। तो ये सब कुछ मुद्दा उठा उसमें। अभी देखिए वो कंट्रोल हुआ, लेकिन फिर से जो टर्की वाला जो इशू आया और जो कुर्स ने जो लड़ाई लड़ी आईएस के अगेंस्ट में, उस सारी लड़ाई का जो पॉजिटिव रिजल्ट जो आया उसको एक तरह से रिवर्स करने के लिए ये जो डिस्टर्बेंस फिर से क्रिएट किए गए हैं, इनके कारण फिर से समस्याएं खड़ी हो गई। क्योंकि आपको पता है कि उस नॉर्दर्न रीजन के अंदर बहुत सारे आईएस के फाइटर्स को और कैंप्स के अंदर कैप्चर कर रखा था कुर्स ने, वो भाग गए जब ये कुर्स के ऊपर अटैक किया टर्किश आर्मीज ने, तब बहुत सारे उसमें से फ्री होकर भाग गए। तो अब वो जो फ्री हुई है वो भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी फिर से करेंगे, तो डिस्टर्बेंस फिर से क्रिएट वहां पर हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि आईएस एंड नहीं हुआ है, बगदादी को मारा है और वो सब अनाउंस हुआ है और उनकी टेरिटरी एंड की गई है इराक और सीरिया के अंदर, लेकिन वो फैले हुए हैं अंदर अंदर, वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट हैं। प्योर इस्लामिक स्टेट का जो मुद्दा है वही है जो मैंने आपको बताया, सुन्नी मुस्लिम्स ये हैं और शियास को इन्होंने रफीदा बताया है। रफीदा क्या होता है कि भाई जो इनके फर्स्ट थ्री कैलिप्स को रिजेक्ट करते हैं, जो इनका एक जो प्योर डिफरेंस है शियाज और सुन्नीज का, उसके कारण इनको रफीदा बोलते हैं, और उनके ऊपर बड़ा कंट्रोल है, मतलब उनको बड़ा डरा के रखना चाहते हैं अपने एरियाज के अंदर। वैसे भी देखिए जहां पर मेजोरिटी माइनॉरिटी के इश्यूज हैं वो ज्यादा होते हैं मुस्लिम कंट्रीज में, जहां पर माइनॉरिटीज होती हैं उनको टैक्सेस वगैरह देने पड़ते हैं, और जो है कोई पब्लिकली अपने रिलीजन का कोई वो शो ऑफ नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, और काफी बारबेरिक इनके जो आइडियल्स हैं, जैसे कि कोई होमोसेक्सुअल्स हैं उनको तो पहाड़ की चोटी से फेंक देना चाहिए, और जो स्मोकर्स हैं उनकी फिंगर्स काट देनी चाहिए, और स्लेवरी को ये अलाउ करते हैं, गुलामी को, म्यूजिक फिल्म सब बैन होनी चाहिए। ये इनका तरीका है कि भाई जो प्योर लैंड होगी इस्लामिक उसके अंदर इस तरह से काम चलेगा, और नेशन स्टेट्स का जो फिनोमेना है पूरी दुनिया में जो चलता है उसमें तो इनका कोई बिलीफ है ही नहीं, और कैलिफ की लीडरशिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। और जो भी मॉडर्न लिबरलिज्म के नाम से कुछ भी दुनिया में, चाहे वो साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो, चाहे कुछ भी हुआ हो, उन सब चीज़ों को ये नकारते हैं।
ठीक है, तो ये जो तरीका है वो सारा का सारा क्या है, वो सारा वही है कि अपना फियर क्रिएट करो, अपने जो रूलर्स हैं जो अपने जो ताकत में होंगे बस वो एंजॉय करेंगे, बाकी सब उनके गुलाम होंगे। और ये तरीका सारा टायरनी से नहीं है, बहुत ही बारबेरिक है, बहुत ही डेंजरस है। और इसका जो खतरा है किन किन को है, ये उन सभी को है जहां जहां पर कोई मुस्लिम से नहीं, कोई दूसरी भी धर्म के जो लोग, क्योंकि इनके टारगेट सब तरह के लोग हैं, जो भी वल्नरेबल जो पोजिशंस हैं यूथ के अंदर, जहां जहां पर समस्याएं हैं, जहां जहां पर रुइंस हैं, लाइफ रुइंड है और कोई सपोर्ट नहीं दिखता है, पूरा फ्रस्ट्रेशन की लाइफ दिखती है, वो ज्यादा इनके कब्जे में आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि ये उनको एक्सट्रीमिटी देते हैं थिंकिंग के अंदर, तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि इस लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पड़े पड़े मौत ही आ रही है, और न कोई सपोर्ट है, न कोई साथ दे रहा है, न कोई रिकॉग्नाइज करता है, और फ्रस्ट्रेशन है, न जॉब है, न कोई पैसा, कुछ नहीं है। तो वहाँ पर तो एक कॉज भी है, तो एक तो वल्नरेबल सेक्शंस धर्म वगैरह के लिए भी ज़्यादा ब्लाइंड लोग हो ही जाते हैं, फेनेटिक लोग वो ज़्यादा आराम से हो जाते हैं, और यहाँ पर फेनेटिक होने के साथ साथ में ऐसा एक्सट्रीमिटी दी जाए, ऐसा कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई तुम तो कुछ भी कर सकते हो और तुम्हें ये कॉज पूरा करना है और कोई पर्टिकुलर गॉड है, अल्लाह है, उनके नाम के ऊपर तुम्हें ये करना है, तो वो चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाती है उनके माइंड को। ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है और ये साइकोलॉजी में बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। तो जहां जहां पर आइडेंटिटी क्राइसिस है यूथ के अंदर, स्पेशली यंग मुस्लिम्स के अंदर, उनको बड़ा एक्सप्लोइट किया है और मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का इसमें यूज किया गया है। ठीक है, तो ये सारा इसका एक्सप्लेनेशन था। अब बात यह है कि प्रॉब्लम क्या है एंटी आईएस फाइट के अंदर। दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एक तो कंडीशन जो है जिसके ऊपर आईएस खड़ा हुआ था वो ऐसी कैसी है, बगदादी के एंड होने से वो चीज़ एंड नहीं हुई है, कंडीशन आज भी वही है कि जो तरीका था वो आज भी एंड है, और जो आइडियोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो तरीका आज भी अप्लाई हो सकता है, कम्युनिकेशन चैनल्स आज भी ओपन है, डार्क नेट आज भी है, और जो यूथ हैं वल्नरेबल वो उनको आराम से अवेलेबल हो सकते हैं कहीं पर भी, क्योंकि इनकी अप्रोच ग्लोबल है, कहीं पर भी दुनिया में कॉन्टैक्ट करते हैं। और आईएस जो है तभी डिफीट होगा जब इसकी आइडियोलॉजी डिफीट होगी, और आइडियोलॉजी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इनका तरीका ही है कि इनको कई बार इनका ये सब जो सामने आया एक्सप्लेनेशन वो क्या बोलते हैं कि जिंदा रहना ही जरूरी नहीं है, सबको जन्नत में ही जाना है, और इस लाइफ में हम ना तो उस चीज़ को समझ सकते हैं, इवन ये भी बोलते हैं कि हदीस जो है, जो इनका जो इंपॉर्टेंट बुक है, होली बुक है, उसको भी हम ह्यूमंस उसको इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए कुछ हमें सुपर ह्यूमन बनना ही पड़ेगा, और उसके लिए हमें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, तो सबको मरना। तो ऐसा जो आइडियोलॉजी को इंसान प्रैक्टिकली अप्लाई करने लग जाए फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, इसलिए काफी डिस्ट्रक्टिव है, इसलिए सबसे बड़ा फियर जो है वो आईएस का क्रिएट हुआ। और एक बड़ी बात है, और जो कंट्रीज जो बर्बाद हुई और जो पहले जिनके एग्रेशन थे वेस्ट के खिलाफ में, वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के कारण थे, लेकिन इनका जो एग्जिस्टेंस जो खड़ा हुआ वो किसके कारण हुआ, इंपीरियलिज्म के कारण, जो केओस खड़ा हुआ है उसके कारण। सीरिया को बर्बाद किसने किया, अनरेस्ट ने किया, लेकिन उसको फ्यूल किसने किया, किसी वेस्टर्न कंट्रीज ने किया। अफगानिस्तान को बर्बाद किसने किया, अमेरिका ने किया। इराक को किसने बर्बाद किया, अमेरिका ने किया। तो वहां रुइंस उन्होंने क्रिएट किए, उसके बाद उस रुइंस के कारण ये खड़े हुए हैं। इसलिए जो बड़ी कंट्रीज हैं उनके जो आपस में जो प्रॉक्सी वॉर चलती हैं, जो गेम्स उनके चलते हैं ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल गेम्स जो हैं, वो भी एक बड़ा फ्यूल है इनके लिए, वो भी एक बड़ा रीजन है कि ये खड़े होते हैं इस तरह के ग्रुप्स, और बार बार ही खड़े हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए वॉयलेंस जो है वो उनके सर्वाइवल से लिंक्ड है, तो वो चीज़ लगातार ये परसू करेंगे और हमेशा उसमें एक्सप्लोइटेशन ही ढूंढेंगे किसी ना किसी वल्नरेबल सेक्शन का। इसलिए आइडियोलॉजी डिफीट होना बहुत जरूरी है, और इसमें सबका कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं रशिया उस पर ब्लेम करता है, अमेरिका उस पर, रशिया ब्लेम करता है, और ये चलता है गेम, मतलब कि दूसरों के लिए समझना ही बहुत इम्पॉसिबल है। इंडिया को तो शायद कॉमन लोगों को समझ में भी नहीं आता होगा कि मुद्दा क्या है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, और हम उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है डायरेक्टली, लेकिन ये बड़ी दिक्कत है। ये बड़े ही जिसको बोल सकते हैं कि सेल्फ सेंटर्ड और अजीब देश हैं जो बड़े देश हैं, और वो उनकी स्ट्रेटजीज बहुत लंबी लंबी चलती हैं, और वो कई बार जानबूझकर इस तरह के काम करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जैसे हम एग्जांपल के लिए लें कि पाकिस्तान को, जैसे वो एक चलता भी ऐड कि F-16 बेचा अमेरिका ने, और राफेल फ्रांस इंडिया को बेचने की बात करता है, और जो हम सारे जो वेपन्स लेते हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं वो हमें गेन करने हैं, सबको अपनी अपनी सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन उनके बीच में जो ये प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे देशों के बीच में, वो किन को फायदा करती हैं, जो वेपन्स बेचते हैं अमेरिका रशिया, ये वेपन्स बेचते हैं। अगर दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, युद्ध नहीं होंगे, तो इनका फायदा कैसे होगा। तो कई बार ऐसा भी एलिगेशन बहुत बार लगता है, और ये लगता भी है कि ये ट्रू है कि जहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है दुनिया में, वो क्रिएट करते हैं ये देश, क्योंकि इनके पास में ये वेपन्स वगैरह ये बेचते हैं। अगर वो नहीं युद्ध होंगे तो इनका ये काम कहां पे आएंगे, वीडियो गेम थोड़ी खेलेंगे उनसे। ये इशू है सारा।
तो ये सारा एक्सप्लेनेशन है और इससे बहुत सारे पॉइंट्स आप निकाल सकते हो, उसका कोई एक कंक्लूजन नहीं है। नेक्स्ट जो इशू है ये आप पढ़ सकते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आज करण थापर ने लिखा है, जो हिस्ट्री को डिस्टोर्ट करके जो आज बताया जा रहा है, ऐसे थिंकर्स आ गए हैं जो उन बातों पे बात कर रहे हैं जिनका कोई एविडेंस नहीं दे सकता है, ना नेहरू आज है ना पटेल आज है, और कैसे जो हिस्ट्री को जो है जिसको बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय तो नहीं डिस्टोर्ट करके पेश किया जा रहा है, और कैसे आम जनता के अंदर जो है मिसकंसेप्शंस और कन्फ्यूजन्स और कुछ बिल्कुल फाल्स चीज़ें घुसाई जा रही है, ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे, थैंक्स फॉर कीप वॉचिंग।